मैं हूं आपका होस्ट हसान शेख और आप देख रहे हैं YouTube चैनल वाओ वर्ल्ड। कबूतरबाजी का शौक़ जो है वो आज का नहीं, बहुत पुराना है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जो है इसके शौकीन अफराद जो है पाए जाते हैं। अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में जो है एक जो कबूतरबाज है मोहम्मद यूसुफ, वो भी जो है एक अरसा दराज से कबूतरबाजी का जो है वो शौक़ पाले हुए हैं और कबूतरबाजी उड़ा रहे हैं। और ना सिर्फ इन्होंने मुख्तलिफ नस्लों के जो है कबूतर पाले हुए हैं बल्कि उनकी मुकाबलेबाजी भी जो है की जाती है। आज हम यूसुफ भाई की छत पर जाएँगे और उनसे जो है मुख्तलिफ नस्लों के कबूतरों की जो इकसाम में उनके बारे में पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई इनकी जो है ब्रीडिंग किस तरीके से की जाती है। आइए यूसुफ भाई के घर चलते हैं। क्या हाल है यूसुफ भाई? ठीक ठाक है? बड़े अरसे से आप कबूतरबाजी कर रहे हैं, सुना जी। जरा मिलवाएं अपने कबूतरों से भी और उनकी इकसाम के बारे में बताइए। आज यूसुफ भाई की इस छत के अलावा दो और मज़ीद छतें भी हैं, लेकिन इस जिस छत पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जो है कबूतरों की खसूसी तौर पर जो है सिर्फ़ और सिर्फ ब्रीडिंग की जाती है और दूसरी जो मज़ीद दो छतें हैं वहाँ पर जो है इनकी मुकाबलेबाजी की जाती है। यूसुफ भाई से हम बात करेंगे। भजन ज़रा एक एक करके अपने जो मुनफरिद और कबूतर है, जो महंगे कबूतर हैं, वो ज़रा दिखाएँ और उनकी नस्लों के बारे में भी बताएँ, इनकी ब्रीडिंग किस तरीके से की जाती है। जी यूसुफ भाई, ये बताएगा आपने जो हाथ में जो कबूतर पकड़े हुए हैं ये कौन सी नस्ल ये हैं? जी मुल्तानी खाल कहते हैं इनको। हाँ, ये खाल के लियारे कहते हैं इनको। सही, ठीक है। ये मादी है, ये नर है, पामोज है, ठीक है। इनका ब्रीड रोज पे बच्चे निकले पड़े हैं इनके। सही है। इसकी खास बात क्या, दूसरे कबूतरों से किस तरीके से मुख्तलिफ आप इसको समझते होंगे? ये इनको मुल्तानी खाल कहते हैं हमारे, ये बहुत खूबसूरत होते हैं। सही है। इसकी एक कबूतर की कीमत कितनी होगी? एक की है जी 3000 रुपया। सही है। और जोड़े की 6000-7000 तक मिल जाते हैं। सही है। तो मतलब इनके ब्रीडिंग, अब मतलब ये भी सुनने में आया सिर्फ गर्मियां जो है ना वो इनकी बिल्कुल ब्रीडिंग के लिए। सही है। मुकाबलेबाजी भी करते हैं। सही है। हाँ जी, ठीक हो गया। और भी जरा कबूतर दिखाएंगे। हाँ, वो भी दिखाते हैं। ये हैं जी खाल के लियारे कहते हैं। इसका फ्रंट जैसे उसका सफेद है, इसका नहीं है, ब्लैक है ये बिल। सही है। इसे कहते हैं खाल क्लियारे। ये है चापतो का क्लियारा। सही है। इसकी आंखें देखने में हाँ, लाल लग रही हैं, ब्राउन है। हाँ जी, वो उससे मतलब मुख्तलिफ आंखें। हाँ जी, ये कीमती है, उससे भी ज्यादा कीमती है। सही है। हाँ, इसकी क्या कीमत होगी? इसकी एक की कीमत है जी 5000 रुपया। सही है। मतलब इस वक्त ये 10000 का जोड़ा, 10000 का जोड़ा, ब्रीडिंग वगैरह सब कुछ इनके सही होता है। बिल्कुल फिट है ये, एल्फी निकालते हैं ये, क्लियारे निकालते हैं। सही। आंखें दिखाएं जरा इनकी। ये देखो जी, ये माशाल्लाह जी बहुत अच्छे अच्छे कबूतर इन्होंने यूसुफ भाई ने रखे हुए हैं। तकरीबन अगर इनके जाल की बात की जाए या इनके पिंजरे की बात की जाए तकरीबन 100 से ज़ायद कबूतर हैं और इस वक्त अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे जो है वो 15 से 20 जो है वो ऐसे बच्चे होंगे जो इस वक्त जो है वो पैदा हो चुके हैं, जबकि अंडे जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर यूसुफ भाई के हाथ में इस वक्त और भी कोई कबूतर है इनसे पूछेंगे। जी यूसुफ भाई, ये कौन सा कबूतर? ये जी चापतो का क्लियारा, पीले गुलों में। सही है। हाँ जी, तो इसकी क्या खास बात है? ये पीले गुल हैं इसके। सही है। हाँ जी, सारे माशाल्लाह बड़ा प्यारा कबूतर है। हाँ जी, ये है चापतो का क्लियारा। सही, पीले गुलों में। ठीक हो गया। हाँ जी, जी और भी दिखाइएगा, और ख़ास तौर पे अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी जो है ना जरा बाहर निकाले, जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस टाइम। ये हैं जी मुल्तानी खालों के बच्चे जो अच्छा, मैंने आपको पहले पहले दिखाए हैं। ये है। उनके बच्चे निकले पड़े हैं, देखो जैसे बाप हैं वैसे ये है। सही है। देखो ये यहाँ से कल देखो फ्रंट इनका बिल्कुल सफेद है। सही है। ये देखो फ्रंट बिल्कुल साफ है। सही है। बैक इनकी काली है। सही हो गया।
ये भी देखो बच्चे ये कितने दिनों के होंगे इस टाइम? ये हैं जी 15-16 दिन के हैं ये। 15-16 दिन के, और इनको कितना टाइम लगेगा मतलब अभी? अभी इसको निकलते निकलते 3 महीने लग जाएंगे, 2 महीने में, अभी 2 महीने में बाहर निकल आएंगे। सही है, ठीक हो गया। बाद में मतलब इसकी चोंच वगैरह हर चीज बिल्कुल जब तैयार होंगे बाहर निकल आएंगे। सही हो गया। और भी बहुत से आप जो कीमती कबूतर जो पहले बता रहे थे वो भी दिखाए अपने, माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर हैं जी। शौक है जी इनको यूसुफ भाई को, और शौक का कोई मोल नहीं होता। महंगे से महंगा शौक भी जो है वो शहरी पाल लेते हैं। मादी है इसकी, ये चाप तोगा क्लियारा कहते हैं इसे। सही है। सज्जा चाप और क्लियारा। सही है। हाँ, ये इसकी मादी सफेद है, इसका एक ब्लैक है। हाँ जी, ये चाप तोगा क्लियारा कहते हैं इसे। इसके देखो ना, ये चार कलियाँ इधर से काली हैं, इधर से पूरा पाऊँ, और ये इसकी मादी है। ठीक हो गया। ये है जोड़ा, ये कितने का जोड़ा होगा इस वक्त? इस वक्त ये जोड़ा ये 5,000 का है। सही है। आप मतलब ब्रीड करवा के फरोख्त भी करते हैं? हाँ जी। मतलब आपका जरिया माश यही है या और भी है कुछ? सही है जी। यूसुफ भाई का जी ये शौक भी है और जरिया माश भी है। ये ब्रीडिंग करवाते हैं कबूतरों की, और मुल्तान की जो कबूतर मंडी लगती है, और खसूसी तौर पर जुम्मा और इतवार को वहाँ पर जाके जो है ये फरोख्त कर देते हैं, और अच्छी कीमत जो है इनकी लगती है। और मुल्तान की जो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पर जो है ये कबूतर मतलब फरोख्त होते हैं। और जुम्मा और इतवार को खसूसी दिन होते हैं क्योंकि छुट्टी के दिन होते हैं, वहाँ पर जो है शहरियों का एक जमे गफीर जो है वो ख़रीदो फरोख्त के लिए आया होता है, और कुछ लोग ख़रीद रहे होते हैं, कुछ फरोख्त कर रहे होते हैं। यूसुफ भाई और भी अपने कबूतर दिखा रहे हैं, और इनसे अब इनकी नस्ल के बारे में भी बात करेंगे। ये भी जोड़ा है, ये मुल्तानी खाल है। सही है। लाल में ये मादी है खाल की। जी पहले जो इन्होंने एक नस्ल दिखाई थी वो मुल्तानी खाल ब्लैक में था, ये लाल में। हाँ ये लाल में। सही हो गया। इनका भी फ्रंट दोनों साइडों से सफेद है। नहीं मादी का नहीं है, ये खाल क्लियरी कहती है। सही है। ये मुल्तानी खाल इनका कंट्रास्ट कर रही है। अच्छा, कंट्रास्ट इसकी ब्रीड करवाई जाती है। तो इनके जो बच्चे आते हैं मतलब इनसे खूबसूरत होते होंगे? खूबसूरत होते हैं। माशाल्लाह जी बहुत अच्छे अच्छे कबूतर हैं, बहुत अच्छी अच्छी नस्लों के इन्होंने कबूतर रखे हुए हैं, और तमाम के तमाम कबूतर जो है इस वक्त ब्रीडिंग पे लगे हुए हैं। बहुत से कबूतर ऐसे हैं जिनके बच्चे निकल आए हैं, और बहुत से जिनके ऐसे अंडे हैं जो मतलब टूटने वाले हैं और बच्चे जो है पैदा होने वाले हैं। और ये एक और जोड़ा जो है वो लेके आ रहे हैं यूसुफ भाई, इनसे इनके बारे में भी जो है वो पूछेंगे, उनकी नस्ल के बारे में पूछेंगे और किस नस्ल के हैं और उनकी क्या क्या कीमत है इनकी, ये भी इनसे पूछेंगे। जी भाईजान, ये कौन सी नस्ल के कबूतर है और क्या चीज़ है ये? ये है लाल तेले रंग में, मादी है। सही है। ये लाल नर लगाया, क्रॉस किया हुआ है। सही है। ये भी क्रॉस में है। हाँ, क्रॉस में है। सही है। मतलब कबूतर इसका मादा दूसरी नस्ल का, इसकी मादी है। ये तेले रंग में, ये लाल रंग में। सही है। नर मादी दोनों दूसरी नस्ल के हैं। हाँ जी, ठीक हो गया। माशाल्लाह जी बहुत प्यारे प्यारे कबूतर हैं इनके, बहुत अच्छा जोड़ा है ये इस वक्त। जरा पर भी खोल के दिखाएं इनके। ये इसकी क्या कीमत होगी भजन, एक की और जोड़े की? ये मादी खाली 3,000 की है। सही हो गया, ठीक है। मतलब अगर इस वक्त पूरे पिंजरे की बात की जाए तो आपके पास तकरीबन 1,00,000 से ज्यादा के कबूतर इस वक्त पड़े हुए हैं। बिल्कुल। अंडे पे आए हुए हैं। सही हुए हैं।
ये इन जोड़े ने अपने घोंसले में जो है वो अंडे भी दिए हुए हैं, और बहुत अच्छा माशाल्लाह जो है ये जोड़ा है। और भी बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं जो कि दिखाने के काबिल हैं, और मतलब इनके अंडे भी हैं काफ़ी। और ये यूसुफ भाई एक और नस्ल के जो है वो जोड़ा लेने के लिए गए हैं, तो लेके आते हैं तो आपके आपको बताते हैं उस हवाले से भी। ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा कबूतर है जी। ये घर के पट्टे हैं मेरे, सही। इनका माँ बाप बैठा है, सही। मेरे घर के निकले हुए पट्टे हैं। ये कौन सी नस्ल है? ये इसको कहते हैं सेंधे। सेंधे, ठीक है। और इसकी क्या खसूसियात है, दूसरे कबूतरों से किस तरीके से मुख्तलिफ है? बस इनका अपना एक रंग है, सही है। बड़ा प्यारा रंग है इनका माशाल्लाह। ये कुदरत है जी अल्लाह की, अल्लाह ने किस किस तरीके से जो है अपने परिंदे बनाए, कुदरत को जो है परिंदों को बनाया। बड़ा प्यारा कलर है, कुदरत है अल्लाह पाक की। बड़े प्यारे कलर के जो है उन्होंने कबूतर बनाए हैं, और इनको जो है खुराक, इनकी नस्लें वगैरह सब कुछ जो है उनका पालने वाला है। अगर पिंजरे की बात की जाए तो इनके पिंजरे में इस वक्त 1 लाख से 1.5 लाख के करीब जो है कबूतर मौजूद हैं। और यूसुफ भाई ये भी बताएं कि इनको जो है अभी आपने दाना भी डाला है, वो क्या थी रोटी क्या थी, और उससे किस तरीके से जो है वो इनको डाला जाता है, किस तरीके से इनका खाना तैयार होता है? क्योंकि बाजरा तो ज़ाहरी बात है लोग डालते ही हैं। यूसुफ भाई ये बताएगा आपने अभी कोई खाना वगैरह डाला इनको, रोटी वगैरह, वो क्या थी? क्योंकि बाजरा तो हर कोई डालता है, हर कबूतर बाहर डालता है, आपने कोई खसूसी चीज़ तैयार की थी इनके लिए, वो क्या चीज़ थी? सालन नाल रोटी तैयार की थी, ग्रेवी नाल। सही है, उससे क्या फ़ायदा होता है? उन्हें के भी बाड़ा खोलवे नहीं, भूख लगती है, हाथ मत ही वेंदे, सही है। तो इनको पानी भी आप मेरे ख्याल से गर्म और नीम गर्म? नहीं, वो पानी बनाया है, सही है, पानी बनाए से इन्हें हाथ में किते, सही है। जी यानी कि कोई हाथ में बद आदमी है भाई, वो पीसन पीवन लाल बिल्कुल ठीक थी वैसन। यूसुफ भाई आपने पानी तैयार किया, इस पानी में क्या क्या चीज़ें मिलाई हैं आपने? सौंफ, काली मिर्च, गुड़, यही वही पानी है मतलब जिससे इनका हाजमा वगैरह सही ठीक रहता है? बिल्कुल, हफ्ते ज़्यादा एक दफ़ा देने, सही। ये बड़ी जो है बहुत महंगा शौक़ है कबूतर पालना, और कबूतर पालने के साथ साथ उनकी जो है देखभाल भी जो है वो की जाती है। मखसूस किस्म से जो है इनको दाने के साथ साथ, बाजरे के साथ साथ जो है इनको रोटी और सालन के एक मिक्सचर भी जो है ताकि खिलाया जाता है, ताकि इनका हाजमा जो है बेहतर रह सके। और इनको जो है सौंफ और काली मिर्च से मिला एक पानी भी पिलाया जाता है जो कि नीम गर्म होता है, वो भी जो है इसीलिए पिलाया जाता है ताकि इनका हाजमा जो है वो बेहतर रह सके। और भी बहुत सी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर किसी भी जगह पर बेहतरी की गुंजाइश हो तो हमारे जो कमेंट्स बॉक्स है वहां पर जो है जरूर आगाह कीजिएगा। और आपकी और हमारी इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।